नमस्कार दोस्तों, पथरी एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज हम सही समय पर ना करवाएं तो बाद में वो बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होता है। चाहे आप लाख इलाज करवा लें या आप लाख झाड़ फूंक या किसी भी प्रकार का प्रयास कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप बिना किसी ऑपरेशन के अपने पथरी की समस्या को बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थक चुके हैं, हर जगह इलाज करवा चुके हैं, आपकी पथरी ठीक नहीं होता है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल मात्र 5 से 6 दिन तक करके ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी नुस्खा बताऊंगा उसका सामान आपको बिल्कुल आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है ये पत्ता। जी हाँ, ये पत्ता है कढ़ी पत्ता। कहीं कहीं पर इसे करी पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, ये ना ही हमारी पथरी को बल्कि ये हमारी त्वचा, बालों और जोड़ों की दर्द की समस्या को भी ठीक करने में काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम मात्र 4 से 5 इस करी पत्ता को लेंगे और इस पत्ते को इस पानी में डालकर हमें भिगो देना है। दोस्तों, आपको मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप ले ले आधे गिलास की मात्रा में पानी और इसी पानी में आपको 4 से 5 कढ़ी पत्ता को इस पानी में डालकर रात्रि में भिगो देना है। भिगोने के बाद से आप क्या करें कि आप इस पानी को छानकर अलग कर लें और पत्तियों को अलग कर लें। जो आपने छानकर अलग किया है पानी, उस पानी में आप क्या करें कि आप सबसे पहले ऐड करें आधी कटी नींबू का जूस। इस नींबू में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि पथरी की समस्या को बिल्कुल आसानी से ख़त्म करने का काम करता है। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ये आपकी पेट से गैस और कब्ज की समस्या को ख़त्म करने का भी काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपके किडनी में पथरी है मात्र 5 से 6 mm की, तो नींबू पानी के ही मदद से आप उसे बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी दवा के और बिना किसी ऑपरेशन के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधी कटी नींबू लेंगे और इस नींबू का जूस इस पानी में हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आधी कटी नींबू का जूस ऐड कर लिया। लगभग 2 चम्मच की मात्रा में आपको इस नींबू के जूस को ऐड करना होगा। इसके बाद से आप क्या करें कि आप 1 चम्मच लें और उस चम्मच की मदद से आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों, यहाँ पर हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये नुस्खा इतना पावरफुल है कि आपको 10 से 12 mm की पथरी को बिल्कुल आसानी से बिना किसी दर्द के, बिना किसी ऑपरेशन के तोड़कर बाहर निकाल सकता है। तो ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है। अगर आपकी पथरी की साइज 10 mm से बड़ी है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल रात्रि में भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस पानी में नींबू को डालकर मिलाकर पी जाना है मात्र 5 से 6 दिन तक। अगर आप इस प्रकार से इसका सेवन करेंगे तो आपकी पित्त और गुर्दे की पथरी बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, यही थी कुछ आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।